नमस्कार जुहार सभी साथियों को। आज एक वीडियो पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और इस वीडियो को दिखाना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि आप सब ने, जितने भी छात्र हैं, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा। तो इस वीडियो पे प्रतिक्रिया देनी बहुत आवश्यक थी क्योंकि मैंने इस वीडियो को कल ही देखा है, ठीक है। काफ़ी डिस्टर्बिंग है। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि मैं सही बातें करता हूँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। बाकी डिसलाइक करने वाले बहुत हैं और जाहिल लोग झारखंड में बहुत हैं, उनसे आप कितनों को सुधार सकते हैं, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं इसमें लगा हुआ हूँ। अब इस वीडियो को देखिए, इसमें क्या है कि जाहिलों की फ़ौज निकली है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं सारे जाहिल निकले हैं और इसमें जाहिल का जो नेता है, मुझे इसको ऐसा बोलने में कोई संकोच नहीं हो रहा है, सबसे ज़्यादा एक्टिव यही दिख रहा है और इसको नेता बनना है, इसको विधायक बनना है, विधानसभा जाना है, ठीक है। और इसका प्रमाण ये अभी ही दे रहा है कि ये विधानसभा अगर पहुंच गया तो ये क्या करेगा, ये अतीक अहमद से भी ज़्यादा बड़ा गुंडा बन जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि इनकी हरकतें आपको देख के साफ ऐसा लग रहा होगा ये लोग वसूली करने निकले हैं। बगल के रोड में फोर व्हीलर्स जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनको रोकने का इनको औकात नहीं हो रहा है, दम नहीं है। तो अपना जोर आजमाइश किस पे कर रहे हैं, गरीबों पे कर रहे हैं। सब्जी वाले से सब्जी छीन लेना, लस्सी के पैकेट्स चुरा लेना, किसी के फल के ठेले से फल उठा लेना, ये कितनी छोटी हरकत है आप देखिए। और आप सबको इस पर बात करना चाहिए। बहुत सारे जाहिल तो ऐसे भी हैं जो इसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो धन्य है आप लोगों को, कोटि कोटि प्रणाम है जो भी ऐसे लोग हैं। बहुत सारे लोग इसके विरोध में भी बात कर रहे हैं और इस पर खुल के बात होनी चाहिए। और मैं तो बोलूँगा छात्र नेता, सो कॉल्ड छात्र नेता जो भी हैं, अगर एक पैसा भी शर्म बचा है तुम लोगों में, तो दो चार मिनट का वीडियो बनाओ और कैमरे पे आकर के माफ़ी मांगो कि आप लोगों से गलती हो गई है। वो भीड़ में कुछ ज़्यादा ही जोश में आकर, कुछ लोग होते हैं कि जब पीछे भीड़ होती है ना तो बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, उनका खून उबाल में आ जाता है, और वही जब अकेले होंगे तो बिल्कुल दुबक जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो वही ये भीड़ का कमाल था कि पीछे लोग खड़े हैं तो किसी के सब्जी से कुछ भी उठा लो, कुछ भी कर लो। बहुत ही ख़राब मैसेज गया है, बहुत ही ख़राब मैसेज गया है, और अपनी छवि को इन लोगों ने बिल्कुल टार्निश कर दिया है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बेशर्मी की बात है कि वीडियो बना करके इन लोगों ने रिकॉर्ड भी किया, वीडियो में हंस रहे हैं, ऐसा ये लोग दिखा रहे हैं कि हम लोगों ने इतनी बहादुरी का काम किया है कि इन कमीनों को गैलेंट्री अवार्ड मिलना चाहिए। क्या बोला जाए, ठीक है, आप लोग ही बोलिए, बहुत ज़रूरी है बोलना। इसीलिए मुझे बहुत संतुष्टि है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस आंदोलन को कभी सपोर्ट नहीं किया, और आज इनकी हरकतों को देख करके मुझे लग रहा है कि नहीं, फैसला बिल्कुल सही था। मैं आंदोलन को जल्दी सपोर्ट नहीं करता हूँ झारखंड में, क्योंकि मुझे पता है यहाँ जितने भी आंदोलन खड़े होते हैं सिर्फ स्वार्थ होता है उनके पीछे और कुछ नहीं होता है। ये दो चार लोग हैं, उनको अपना चेहरा चमकाना, उनको पॉलिटिकल पार्टी से टिकट चाहिए, इनका उद्देश्य यही है, विधायक बनना है, अपना करियर सेट करना है। और बहुत सारे छात्र भी हैं, इग्नोरेंट है बेचारे, उनको अपने करियर की टेंशन नहीं है, वो इनका करियर बनाने में लगे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये लोग रोड पे निकल करके सरकार को बैकफुट में ले आएंगे, इस तरह से सब्जी छीन करके फल चुरा करके ये लोग सरकार को पीछे ढकेल देंगे, इनको ऐसा लगता है। तो ऐसी सोच आपको मुबारक है। किसी ने उनको रोकने का प्रयास भी नहीं किया, सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये और ज़्यादा चिंताजनक बात है। ये पढ़े लिखे लोगों की भीड़ है, ये जैसा ये लोग क्लेम करते हैं, मैं तो जाहिल बोलता हूँ इन लोगों को, मेरे लिए तो ये लोग जाहिलों की ही भीड़ थी, लेकिन ये खुद को क्लेम करते हैं कि इनमें से किसी ने जेपीएससी निकाला है, तो किसी ने कुछ निकाला है, ऐसे पढ़े लिखे कि ये भीड़ थी, और इनकी हरकतें देखिए क्या बोला जाए, ठीक है, क्या बोला जाए। अब बहुत सारे लोग बाहरी बाहरी बोलेंगे, क्योंकि अब तो एक सर्टिफिकेट गैंग भी है ना झारखंड में, तो मेरा तो उन लोगों को ओपन चैलेंज है कि मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैं आपको अपना खतिहान दिखाऊंगा, लेकिन बस शर्त यही है, जिसको बहुत ज़्यादा खुजली है, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा ऐसा कॉन्फिडेंस है कि मैं बाहरी ही हूँ, तो आप शर्त लगाइए मेरे साथ, ऐसे थोड़ी दिखा दूंगा हर किसी को अपना खतिहान दिखाते चलूँगा, शर्त लगाइए। अगर मैं दिखा दूंगा, अगर मैं खतियानी हूँगा, तो थूक करके चाटना होगा, और अगर नहीं हूँगा तो मैं ये काम करूँगा। अब कमेंट में बोलना बाहरी, ठीक है, नंबर दे दूँगा, बाकी अगर रेडी हो तो मैं खतियान दिखा दूँगा। सुधर जाओ, ठीक है, और जितने लोग कमेंट में
ज्ञान देते हैं कि सिविलाइज्ड हो जाइए, अच्छे से बात करिए, तो उनको मैं बहुत क्लियर बोल देना चाहता हूँ, अगर आप सिविलाइज्ड हैं, सिविलाइज्ड होकर के कमेंट कर रहे हैं, तो मैं भी बिल्कुल आपको उसी प्रकार से पोलाइट होकर के जवाब दूंगा, और अगर बदतमीजी करोगे तो चार गुना ज़्यादा बदतमीज होकर के मैं जवाब दूंगा, फिर रिलाई में कमी नहीं छोड़ूंगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है। जितना बोलोगे उससे दो गुना ज़्यादा, क्योंकि आधा घंटा एक घंटा समय मैं अलग से कमेंट में जवाब देने के लिए निकाल के रखता हूँ, जितना बोलोगे उसका दो गुना तीन गुना इंटेंसिटी से जवाब मिलेगा, लड़की हो चाहे लड़का, मैं इस मामले में बिल्कुल जेंडर इक्वलिटी पर भरोसा करता हूँ। लड़की ऐसा ना सोचे कि आप लड़कियाँ कुछ भी बोल के निकल जाएंगी, तो आप गलत सोच रही हैं, ठीक है। माकूल जवाब दिया जाएगा, इसीलिए कमेंट में ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। पहली बात, आपके पास कोई फैक्ट है, कोई डेटा है, उस पर बात करिए। बहुत सारे मूर्ख लोग अभी भी 90-10 90-10, मैंने 90-10 पे लाइव आकर के बातें की है, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि 90-10 बस एक आपके मन का वहम है, ये कोई नीति नहीं है। 90-10 जो भी आपको बोलता है आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। और मेरी बात नहीं मानना मत मानो, जाके पढ़ो जाकर के, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ किताबों को पढ़ो, लेकिन ये जाहिल लोग हैं कि बस नेताओं की बात को सुनते हैं। अब सारे जाहिलों से मैंने पंगा ले लिया है, ठीक है, तो पीछे तो हटना है नहीं, और सब्सक्राइबर की चिंता मुझे नहीं है, बड़े घटों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लोग ये ना सोचें, ये धमकी ना दें कि मैं चैनल अनसब्सक्राइब कर दूंगा, कर दो, मुझे वैसे भी अपने चैनल पे जाहिल लोग बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी जिनको मैंने फिर से बोला कि मेरी बातें सही लगती है, लगता है कि तर्क संगत रहता है, फैक्चुअल रहता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, और जितने नए लोग हैं आप लोग सब्सक्राइब भी करें, जो पढ़ने वाले लोग हैं आप लोग सब्सक्राइब करें, जिनको एग्जामिनेशन में कोई हेल्प चाहिए तो मैं एग्जामिनेशन रिलेटेड कंटेंट रेगुलर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा एक बार माहौल बन जाने दीजिए, उसके बाद ये सारे काम किए जाएंगे। बाकी इस तरह के वीडियोस को आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जा करके, जो ये वीडियो अपलोड किया गया है इसमें आप लोग प्रतिकार करिए ऐसे लोगों का, ये लोग खुद को झारखंडी बोल रहे हैं, झारखंड को भी बदनाम कर रहे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।